क्या इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया? जी सर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस बार तो टेंडर हमने बहुत लो प्राइस में भरा था ना। उस कंपनी और हमारी कंपनी में प्राइस का कितना फर्क है? सर मुझे पता नहीं। ठीक है तो पता करके मुझे फोन कर। जी सर। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बाद में फोन करो प्लीज। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग विकी साहब। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सर? इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया। विकी साहब इस बार भी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 3 सालों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिल रहा है। एक बार हो सकता है, 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन तीसरी बार? सही बात है विकी साहब, बहुत कम डिफरेंस से कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाता रहा है। इस बार तो डिफरेंस सिर्फ 2 रुपए का है। तुम्हें कैसे मालूम? प्राइस ओपन हुई थी तो सर, प्राइस ओपन हुई थी। अभी अभी मैंने टेलीफोन पे बात की है, प्राइस तो कल ओपन होगी। इसका मतलब गद्दार तुम हो। तनख्वाह हमसे लेता है और काम दूसरों का करता है। बोल कितने में बिका है तू? विकी साहब माफ कर दीजिए मुझे। विक्की गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। गेट आउट, गेट आउट। हाथ चलते हैं तेरे। हाँ चलो रे, बहुत हो गया। कोई है? सब ठीक तो है ना सर? सर अरे ये सब क्या लेकर आई हो? पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए, गिरवा दी ना फाइलें। आई एम सॉरी। अब उठवाइए फाइलें। सॉरी, आई एम सॉरी। सर देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ये इतनी फाइलें क्या ऑफिस में ताला लगा कर आई हो? सर ने कहा इम्पोर्टेंट फाइल ले आओ। मैंने सोचा सारी फाइलें इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए सब ले आए। मैंने ठीक किया ना बॉस? बिल्कुल ठीक किया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। थैंक यू बॉस। सर कहाँ है? कमरे के अंदर। वेरी गुड, नाउ यू आर परफेक्टली ऑल राइट, बट रिमेम्बर नो मेंटल स्ट्रेस। ये क्या अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रहे हो? हिंदी में दवा का नाम बताओ। दादी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई काफी ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी दिमागी सुकून की जरूरत है बस। सुकून? अरे कहाँ से मिलेगा सुकून, ये तो ऑफिस घर में खोलने के चक्कर में है। ये देखिए, मैंने एक ही फाइल मांगी थी ना। आई एम सॉरी सर। हाँ विकी, नो वर्क, नो वर्क। ये ऑफिस के काम भूल जाओ 10 दिन तक।